मुझे। क्यों मार? अब वो समझ गई कि कुछ हुआ है। अरे पुरी जी, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या समझ में आया है? ये कि हमारी अटैची घूम गई है, या ये भी समझ में आया कि हमारी अटैची में बम है? बम बम बम। पुरी जी आप ज्यादा फील मत करो, हमारा नहीं है, हम बस यहाँ फोड़ने आए हैं। देखो भाइयों, अगर तुम लोगों ने यहाँ बम रखा है तो मैंने यहाँ मिसाइल छोड़ रखी है। अरे बच्चों, कमीना गुस्ताद, कितनों की अम्मी को उठवा के उनके लौंडो को कहाँ पे लगवा रखा है? ओए हटे कटे मुस्टंडो, चलो जल्दी चलो, फटाफट पैर चलो, और ध्यान रहे कोई भी जिंदा हरे भरे पेड़ नहीं काटने। शीशम की लकड़ी ढूंढो, वो भी सूखी हुई, ये ठीक रहेगी। क्या ये बंदूक? वो तो मैं भी देख रही हूँ, कहाँ से मिली? घुमाओ की जुत्ती। नीचे से मिली है जी, नीचे से। तो फिर नीचे रहने दे, आप ही को दिखाने के लिए उठाई है। खबरदार ऐसी चीजों को हाथ लगाया तो। रखो नीचे, रखो और छुपा दो इसे, ठको ठको इसे। ठीक है ठीक है, नीचे। अब क्या हुआ? चुप कलम हुए, कुछ सुनाई दिया नहीं? अरे कौन साफ कर लो अपने, मुझे आवाजें सुनाई दी। ये उस्ताद का इलाका है, कई बार उसके बंदे भी दिखाई दिए यहाँ। चुप कर और मेरे पीछे पीछे आओ, निकी मिनिट्री की तरह यूं झुक झुक कर ऐसे। सब लोग हाथ सामने रख के नीचे झुको। तू है अम्मी? आप पर यहाँ क्या कर रही हैं? हर पप्पू का गराज फोड़ दिया है ना, उसके लिए लकड़ियाँ ढूंढने आई हूँ। और ये लोग? होय नहीं, फोटो समेत वोटर आईडी दिखेगा, मेरे साथ हैं, काफी नहीं है जी अम्मी? अरे मेरे अपने हैं, घर के बच्चे हैं। आप लोग जाइए, चलो मिलता हूँ आपसे, खुदा हाफिज़। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो चलो इधर आओ। भाईजान, घर का कहा, अपना कहा। हेलो 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 पप्पू। हाँ जी हाँ जी, गुस्ताद बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, गुस्ताद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मोबाइल बंद क्यों था? वो बैटरी डाउन थी, अभी चार्जिंग में लगाया है। ओ अच्छा अच्छा, कहाँ हो तुम लोग, क्या खबर है? जी अभी मैं सारा काम छोड़ के आपको खबरें सुनाऊँ, आपके घर में टीवी नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि काम हुआ या नहीं। हाँ जी वो आधा काम हो चुका है, हमने बम्ब ऑन करके छोड़ दिया है। नाम मत लो, बम को बम मत कहो, कोई कोड नाम देके बात करो। जी हमने
हमने अरे चुन्नू बेटा कहाँ जा रहे हो? चुन्नू, चुन्नू को हमने छोड़ दिया है, लेकिन कोई चुन्नू को उठा के ले गया है। चुन्नू की घड़ी में 7 बजते ही चुन्नू जोर से उल्टी कर देगा, लेकिन हमें ये पता नहीं कि चुन्नू है कहाँ। चुन्नू कौन है? चुन्नू कहाँ से आ गया? अरे आप ही तो कहा था कि कोई और नाम से बुलाऊं। उस्ताद भाई, आपकी शक्ल का कोई आदमी मेरी तरफ आ रहा है। फोन रख। फोन रख। अरे बेटा आप? ये कौन? मुस्कान, हमारी बेटी। और ये? ये हमारी बेगम। सलाम। सलाम। आप तो बड़ी अच्छी सी हैं इनके साथ। वैसे तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो लुधियाना में होना चाहिए था ना। ओ, बड़ी लंबी कहानी है। हाँ। वैसे आप भी तो यहाँ हो, आपको तो जंगल में होना था। जंगल? अबू आप टार्जन हो? बेटा ऐसे नहीं बोलते, बच्चे है ना, शौक है ऐसे इन चीजों का। सुपर जो का। हमारा तो शॉलों का बिजनेस है, वही देने आए थे दुकान पे। आप? आपने इनको बताया नहीं? अरे गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें। मैं इनसे बात कर लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। आ जाओ बेगम, बेगम आप चलिए, आप चलिए, आप शॉपिंग कीजिए, मैं आता हूँ। भाई साहब ये तो बड़े अच्छे से हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? है क्या है? चलो निकलो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि मेरा ही दिया हुआ बॉम्ब अब इस बंद मॉल में मेरी फैमिली के लिए खतरा बनेगा? हाँ, बॉम्ब नहीं चुन्नू। पप्पू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस आदमी ने तुम्हारी गर्दन क्यों दबोच रखी है? ए मैडम, मैं इसकी गर्दन दबोचूं या इसके गले मिलूं? आप अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रही हूँ। आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने किसी के साथ हाथापाई नहीं कर सकते। पुलिस? जी हाँ, इंस्पेक्टर शालिनी श्रीवास्तव। तुम यहाँ? इस आदमी ने तुम्हारी गर्दन क्यों दबोच रखी थी? पप्पू कौन था ये? दोस्त, दोस्त था। दोस्त? और आप? पुलिस इंस्पेक्टर। गोले मैडम, पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ, उसे कुछ बता दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। गोले सुन, उसे समझाने से ज्यादा बम ढूंढना जरूरी है।